हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसा आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमको ना कन्वर्जन्स बहुत पूछे जाते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो। तो मैं आज के इस सेशन में आपको कुछ अच्छे अच्छे कन्वर्जन्स करवाऊंगा जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको एग्जाम में पूछे जाने के। तो सबसे पहला कन्वर्जन है, सबसे पहला और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट, बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, बेंजीन को एनिलीन में। तो भाई देखो, आपको जो भी कन्वर्जन करना हो, क्या बोल रहा हूं, जो भी कन्वर्जन करना हो, सबसे पहले आपको यह सोचना है कि भाई किस से किस में कन्वर्ट करना है। आप स्ट्रक्चर बना लो, ये हो गया बेंजीन और एनिलीन, मतलब बेंजीन पर NH2। अगर एक बार आपको यह पता चल गया कि किस से किस में कन्वर्ट करना है, तो अपना आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, मतलब बेंजीन पर NH2 जोड़ना है। अब आपको सुनना है ध्यान से भाई साहब, आप जब भी बेंजीन पे अगर नाइट्रोजन एटम चिपकाना चाहते हैं तो आप NO2 ही चिपका सकते हैं, कभी भी NH2 डायरेक्टली नहीं चिपका सकते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, NO2 चिपकाना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। क्या बोल रहा हूं, पहले आप करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, तो अपना बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। फिर हम लोग इसमें रिडक्शन कर देंगे, SNHCl भी यूज कर सकते हो या फिर FeHCl भी यूज कर सकते हो, तो बेंजीन से हम लोग एनिलीन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पहला ये कन्वर्जन हो गया अपना बेंजीन को एनिलीन में। काफी ज्यादा चांसेस है कि ये सवाल आपसे डायरेक्टली पूछ ले, बेंजीन से एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करें। आपको आप साथ में नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं PDF इसकी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसका उल्टा मतलब सेकेंड अपनी कन्वर्जन है कि भैया एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करो। क्या करो, एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करो, एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करो। तो एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो मतलब आप स्ट्रक्चर बना लो कि बेंजीन पर NH2 है और उसको बेंजीन में कन्वर्ट करना है, मतलब NH2 को साफ करना है। दोस्तों जब भी अगर आपको साफ करना हो तो आप डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर लो, NaNO2+HCl 0 to 5 degree Celsius। तो ये डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन पे N2+Cl-, ये डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको साफ करना आसान है, आप क्या यूज कर सकते हो, H3PO2 यूज कर सकते हो या फिर इथेनॉल यूज कर सकते हो। ये दोनों ही क्या करते हैं, बेंजीन पर N2+Cl- अगर लगा हुआ है तो उसको साफ कर देंगे। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना और एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना, सेकंड कन्वर्जन हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई, थर्ड आ जाता है। ठीक है, थर्ड कन्वर्जन है, ठीक है, थर्ड कन्वर्जन है CH3Br है और उसको CH3CH2NH2 में कन्वर्ट करना। मैं पहले एनिलीन चैप्टर की कन्वर्जन करवा रहा हूं, फिर उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की करवाऊंगा। तो CH3Br है और उसको CH3CH2NH2 में कन्वर्ट करना है। तो पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ही कार्बन है और इसमें दो कार्बन है, मतलब आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी है। क्या करनी है, कार्बन की संख्या बढ़ानी है। अगर आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो क्या यूज कर लो यार, KCN यूज कर लो। KCN क्या करेगा, Br की जगह पर CN चिपका देगा। देखो कार्बन की संख्या बढ़ गई है और फिर इसका रिडक्शन कर लो, LiAlH4। अगर LiAlH4 हो जाएगा तो ये CH3CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 degree amine में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड, वेरी वेरी इजी। देखो बोर्ड में जो जनरली कन्वर्जन पूछा जाता है ना, वो टू स्टेप कन्वर्जन होता है। टू स्टेप मतलब पहला स्टेप में कुछ बनेगा, फिर सेकंड स्टेप में अपना फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैं टू स्टेप कन्वर्जन ही मैक्सिमम आपको करवाने की कोशिश करूंगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम लोग 3 स्टेप वाले भी कर सकते हैं, 4 स्टेप वाले भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में चांसेस है कि 2 स्टेप कन्वर्जन ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। मान लो CH3OH है, इसको CH3CH2NH2 में कन्वर्ट करना है। अब क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनना, आपको यहां पर एक कार्बन है और यहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। एक कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो KCN यूज करेंगे, लेकिन KCN एल्काइल हैलाइड पे यूज कर सकते हैं। तो पहले इसको HBr के साथ में रिएक्शन करके CH3Br में कन्वर्ट कर लो,
CH3Br में। अब KCN यूज कर लो तो ये CH3C(NN) हो जाएगा और फिर उसको रिडक्शन कर लो LiAlH4 में। राइट, समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं। CH3NH2 है, इसको CH3OH में कन्वर्ट करना है। तो ये तो ना एक स्टेप का ही है, कुछ भी नहीं सोचना है, एक स्टेप का ही है। आप इसमें NaNO2+HCl 0 to 5 degree Celsius करवा दीजिए तो ये NH2 की जगह पर सीधा क्या कर देगा, OH चिपका देगा। अंडरस्टूड। तो ये हमारे अमीन चैप्टर में हो गए, लेकिन ज्यादा कन्वर्जन जो पूछे जाने के चांसेस है वो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में है। तो अब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। सिक्स कन्वर्जन है, CH3OH है उसको CH3OH है इसको HCOOH में कन्वर्ट करना है। तो सोचो ध्यान से क्या करना है यार, इधर की तरफ एक कार्बन है, एक कार्बन वाला एल्कोहल है, और इधर की तरफ एक कार्बन वाला एसिड बनाना है, मतलब एल्कोहल से एसिड बनाना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हॉट एल्कलाइन KMnO4। क्या यूज करेंगे बोलो, हॉट एल्कलाइन KMnO4। हॉट एल्कलाइन KMnO4 यूज कर लोगे, डायरेक्टली एक कार्बन वाले एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एक कार्बन वाले एल्कोहल से। ठीक है, चलो सेवंथ करते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते चलेंगे, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई। सेवंथ है CH3CH2OH है और इसको CH3CH2C(OH) में कन्वर्ट करना। अब बड़ा बड़ा मजा आएगा भाई, देखो ध्यान से सुनना, ये दो कार्बन है और इधर की तरफ हो गए तीन कार्बन। अगर दो कार्बन वाले एल्कोहल से दो कार्बन वाला एसिड बनाना होता तब तो बहुत आसान था, हॉट एल्कलाइन KMnO4 यूज कर लेते या फिर K2Cr2O7 यूज कर लेते। लेकिन यहां पर दो कार्बन वाले एल्कोहल से तीन कार्बन वाला एसिड बनाना है, क्या करना है, तीन कार्बन वाला एसिड। अब क्या करें, तो अब क्या करेंगे ध्यान से सुनना, आप पहले समझो कि कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो KCN आएगा। अब KCN आएगा वो डायरेक्टली एल्कोहल पे अटैक कर नहीं सकता है, तो पहले HBr के साथ में रिएक्शन करवाएंगे ताकि CH3CH2Br बन जाए, क्यों, OH की जगह पर Br लग गया। अब हम लोग KCN यूज कर लेंगे, अब ये CN जो है वो चिपका देगा इधर की तरफ CH3CH2C(NN), समझ रहे हो। डायरेक्टली KCN यूज नहीं कर सकते हो, कुछ बच्चे क्या करेंगे OH पे डायरेक्टली KCN यूज करेंगे, डायरेक्टली KCN यूज नहीं करना है, KCN सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे ही यूज कर सकते हो। तो ये बन जा और फिर हाइड्रोलिसिस कर दो H2OH+, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्या हो जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, वेरी गुड। चलो अगला बढ़ते हैं, अगला करते हैं, कौन से हो गया ये, सात हो गया ना, आठ करते हैं। मान लो CH3CH2Br है और उसको कन्वर्ट करना है CH3CH2NH2 में। अब देखना भाई मजा आएगा इस क्वेश्चन में, तो इसके साथ में ना तुम्हारी रिएक्शंस भी कवर होती जाएंगी, जो बोलते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन याद नहीं होती है, वो रिएक्शंस भी कवर होती जाएंगी। CH3CH2Br है और CH3CH2NH2 में कन्वर्ट करना है, अब भैया फंस गए। तो देखो जब भी फाइनली हमें NH2 में कन्वर्ट करना हो और कार्बन की संख्या सेम रखनी हो तो पता है क्या करो, एक बार कार्बन की संख्या बढ़ा लो और फिर उसके बाद में कम कर दो। एक बार बढ़ा लो मतलब आप KCN यूज कर लो, पहले क्या कर लो बोलो, KCN यूज कर लो। KCN यूज करोगे, ये क्या लिख रहा हूं मैं, KCN यूज करोगे तो कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, हाँ या ना बोलो यार, CH3CH2C(NN), तीन कार्बन हो गए। अब आप इसका क्या कर दो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या कर दो बोलो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। देखो अगर C(NN) है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बनेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइड बनेगा, तीन कार्बन वाला अमाइड, तो CH3CH2 और C(NH2) हो जाएगा। और इसका कर दो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो तीन कार्बन जो ये अपना C(O) है बस वो गायब हो जाएगा और इस रिएक्शन का नाम क्या है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है,
डायरेक्टली पूछ लेंगे होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या होता है, अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करने के काम आता है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट करते हैं नाइन्थ, ठीक है नाइन्थ करते हैं फटाफट करेंगे भाई, है ना नाइन्थ करेंगे फटाफट करेंगे। मान लो ये है CH3CH2Br और इसको मुझे कन्वर्ट करना है CH3CH2C OH में, ठीक है। तो ये तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अब अपने को मान लो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, क्या करना है इसको ऐसे ले लो CH3CH2Br है और इसको CH3CH2C OH में कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, और इसी को CH3CH2C OH में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे देखना ध्यान से सुनना। CH3CH2Br है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है और वो भी कार्बन की संख्या बढ़ाते हुए। अगर मान लो कि यहां पर दो कार्बन है, जो कि है इधर भी दो कार्बन ही होते, तो क्या करते पता है, पहले इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते और फिर पीसीसी यूज कर लेते। क्या यूज कर लेते? पीसीसी क्या करता है, एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, पीसीसी यूज कर लेते, लेकिन यहां पर पीसीसी यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कार्बन की संख्या बढ़ानी है, तो देखो भैया पहले इसकी रिएक्शन करवा दो मैग्नीशियम ईथर के साथ में, क्या बन जाएगा ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, या फिर आप ग्रिग्नार्ड भी मत बनाओ रुक जाओ, आप क्या करो इसकी रिएक्शन करवा लो KCN के साथ में, कार्बन की संख्या बढ़ानी है ना, तो CH3CH2C OH कर दो और इसका कर लो SNCl2HCl, स्टीफन रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कौन सी होती है? स्टीफन रिडक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? स्टीफन रिडक्शन। और स्टीफन रिडक्शन क्या करता है बच्चों, क्या करता है C OH वाले कंपाउंड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। इधर तीन कार्बन है, इधर भी तीन कार्बन ही रहेंगे, क्या होता है रिएजेंट SNCl2+HCl। इस रिएक्शन का नाम क्या है? स्टीफन रिडक्शन। क्या है? स्टीफन रिडक्शन। अच्छा अगर इसी में तुम ग्रिग्नार्ड यूज कर लेते CH3MgBr H2H+, तो अपना कीटोन भी बन जाता है, CH3 चिपक जाता। देखो तीन कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर हो जाएगा, तो कीटोन बन जाएगा। अगर इसी में तुम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देते तो अमाइड बन जाता, अमाइड से फिर अमाइन भी बना सकते हो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। समझ रहे हो क्या? सारी चीजें घूम फिर कर वहीं पर आएंगी। देखो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूं, 10th एग्जाम्पल, CH3CH2CH2Br है, इससे मैं आपको चार कन्वर्जन करवा रहा हूं। पहला चार कार्बन है ना, तीन कार्बन है ना, मुझे चार कार्बन वाला एल्डिहाइड चाहिए, ठीक है, एक मुझे पांच कार्बन वाला कीटोन चाहिए। देखते जाना, जादू है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, जादू है, ठीक है। तीसरा मुझे चार कार्बन वाला एसिड चाहिए, ठीक है, और मुझे चार कार्बन वाला अमाइड चाहिए, चार कार्बन वाला अमाइड, और मुझे क्या चाहिए, तीन कार्बन वाला अमाइन चाहिए। देखो सारी रिएक्शंस मैं एक में ही करवा रहा हूं आपको, ये CH3CH2CH2Br है, तीन कार्बन है, मुझे इधर की तरफ चार कार्बन चाहिए, बताओ क्या करेंगे पहले के लिए क्या करोगे। देखो सुनो ध्यान से, ये Br है ना, पहले के लिए क्या करोगे सुनो ध्यान से, इसमें आप KCN यूज कर लो तो Br की जगह पर CN चिपक जाएगा, और फिर क्या कर दो, स्टीफन रिडक्शन कर दो। तो दूसरा क्या कर लेंगे, SNCl2+HCl, स्टीफन रिडक्शन, तो इससे हमारा ये दोनों यूज कर लेंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा इसमें क्या करेंगे, सेकंड में बोलो क्या करेंगे, वही KCN तो यूज कर ही लो, कार्बन की संख्या तो बढ़ा ही लो, और फिर CH3MgBr यूज कर लो तो वो कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, तो इससे ये बन जाएगा। एसिड के लिए क्या करेंगे, KCN तो यूज कर ही लो और फिर क्या करो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या करो बोलो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, KCN तो यूज कर ही लो और फिर क्या कर दो, H2O H+, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो एसिड बन जाएगा। फोर्थ के लिए क्या करेंगे बोलो, KCN तो यूज कर ही लो,
अरे केसीएन तो यूज कर ही लो, क्या करो बोलो, केसीएन तो यूज कर ही लो, और क्या करो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O OH माइनस पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ऐसे लिख देना पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो अमाइड बन जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, पांचवे के लिए क्या करोगे बोलो, केसीएन यूज कर लो, तो CH3 CH2 CH2 CN चिपक गया, क्या चिपक गया बोलो, CN, चार कार्बन हो गए क्या। अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर लो, H2O OH माइनस बेसिक मीडियम में होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ओ NH2, चार कार्बन वाला हो गया। अब एक कार्बन की संख्या कम कर दो, तो क्या यूज करेंगे, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो CH3 CH2 CH2 NH2 होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर देंगे। समझ रहे हो, एक ही चीज से कितने सारी चीजें बना सकते हो, एल्डिहाइड भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो, अमाइड भी बना सकते हो, अमाइन भी बना सकते हो। अरे यही तो आ रहा है, दो ही तो चैप्टर आ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन, इसी पे क्वेश्चन आ जाएगा। समझ रहे हो क्या, चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, चिंता मत करो सब करवा दूंगा। 11th, और आगे बढ़ते हैं, CH3 CH2 OH है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है CH3 CH2 COOH में, तो क्या यूज करोगे, इसको मुझे कन्वर्ट करना है CH3 सी डबल बॉन्ड OH में, तो क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। अगर आप लोग दो कार्बन वाला एल्कोहल है उसके उसको तीन कार्बन वाले एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, दो कार्बन वाले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, देखो दो कार्बन वाला एल्डिहाइड डायरेक्टली पीसीसी यूज कर लो, क्या यूज कर लो, पीसीसी पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहीं पर अगर दो कार्बन वाला एसिड चाहिए होता तब क्या करते, दो कार्बन वाला एसिड चाहिए होता तब क्या करते, तब तो आ जाता अपना हॉट एल्कलाइन केमेनोफोर, हॉट एल्कलाइन केमेनोफोर। और तीन कार्बन वाला एसिड चाहिए, कार्बन की संख्या बढ़ानी है, बहुत सिंपल है, वही कर लो, कौन, केसीएन, लेकिन केसीएन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, HBr, तो Br चिपक जाएगा, फिर कर लो केसीएन, और फिर कर लो हाइड्रोलिसिस H2OH+। हाँ ना बोल यार, हाँ ना बोलो, समझ में आई बात। चलो एक और करते हैं, अगला करते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको मुझे CH3 CH2 CH2 OH में कन्वर्ट करना, और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट करना, एक केस में एल्कोहल बनाना, एक केस में एल्डिहाइड बनाना। अब क्या करेंगे, बड़ा मस्त सवाल है, बड़ा मस्त सवाल है, अगर तीन कार्बन वाला एसिड है और मुझे तीन कार्बन वाले एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन करना है, एल्कोहल से एसिड बनाना होता तो हॉट एल्कलाइन केमेनोफोर यूज कर लेते, क्या यूज कर लेते, हॉट एल्कलाइन केमेनोफोर, एल्कोहल से एसिड बनाना होता तो हॉट एल्कलाइन केमेनोफोर यूज कर लेते, लेकिन एसिड से एल्कोहल बनाना है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, कौन, LiAlH4, NaBH4 यूज नहीं कर सकते हो, क्या यूज करेंगे, LiAlH4, ठीक है, LiAlH4। अच्छा अब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है मतलब OH की जगह पर H लगाना है, तो याद करो एक रिएक्शन होती है रोजनमन रिडक्शन, वो क्या करता है Cl की जगह पर H चिपका देता है, लेकिन यहां पर Cl लगाना पड़ेगा पहले, तो क्या करोगे, सुनो ध्यान से क्या करेंगे, पहले इसकी रिएक्शन करवा लेंगे SOCl2 के साथ में, देखो SOCl2 या फिर PCl3 या फिर PCl5, ये तीनों एक ही काम करते हैं, OH की जगह पर Cl चिपका देते हैं, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl बन गया, क्यों, और अब कर लो इसमें H2PdBaSO4 रोजनमन रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, H2PdBaSO4 यूज कर दोगे एसिड क्लोराइड पे, रोजनमन रिडक्शन बोलते हैं इसको, इस क्वेश्चन पे नेम्ड रिएक्शन आने के चांसेस भी हैं, ठीक है, रोजनमन रिडक्शन Cl की जगह पर H चिपका देगा। अच्छा यहीं पर अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना होता तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना होता तो टोलेंस रिएजेंट यूज कर लेते, क्यों, टोलेंस रिएजेंट है ना, AgNH3O2+, AgNH3O2+, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, 12th हो गया, 13th करते हैं, अब 13th करते हैं, टोलवीन है उससे
मुझे बेंजोइक एसिड बनाना है, एक क्वेश्चन है ये, उससे बेंजल्डिहाइड बनाना है, ये दूसरा क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में मैं दो क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। तो टोलविन से बेंजोइक एसिड बनाना, बेंजीन पे कुछ भी चिपका हो हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर यूज कर दो, क्या यूज कर दो, हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर यूज कर दो, तो वो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, सही है। लेकिन टोलविन से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के तीन रास्ते दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, कितने रास्ते दिए हुए हैं, तीन रास्ते टोलविन से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के, तीन रास्ते हैं। पहला है Cl2H µ और फिर H2OH+ 100 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा है CrO2Cl2 और फिर H2OH+, और तीसरा है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले ये करना पड़ेगा फिर ये फिर ये, या तो सिर्फ ये कर लो आप, या फिर सिर्फ ये कर लो, या फिर CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2O। इस रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड रिएक्शन, क्या होता है बोलो, इटार्ड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कौन सी है, इटार्ड रिएक्शन, टोलविन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के काम में आती है, समझ में आया। चलो 14th करते हैं, ठीक है, बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना और बेंजीन को एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, COHCl AlCl3 CuCl यूज कर लो, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम होता है गेटरमैन कोच रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। और अगर इसको एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करना है तो CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl AlCl3 Cl निकल जाएगा और ये चीज यहां पर चिपक जाएगी। इस रिएक्शन का नाम क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, और इसका नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। चलो एक लास्ट रिएक्शन कर लेते हैं, बड़ी पॉपुलर है, CH3CH2COOH और इसको कन्वर्ट करना है CH3CHOHCOOH, बड़ा बढ़िया एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल है दोस्तों। पहले आप Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस कर दो, इस रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, HVZ हेल वोल हेड जेलेंस्की रिएक्शन, एनसीईआरटी में एकदम सबसे लास्ट में लिखी हुई है, छोटी सी बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फंस गया तो मर जाओगे। तो क्या हो जाएगा, HVZ रिएक्शन है, वो कुछ नहीं करता है, इस वाले कार्बन पे Br चिपका देगा, तो CH3CH Br COOH। अब इसमें आप क्या कर लो, कुछ भी कर लो, एक्वस KOH लगा दो या फिर पानी डाल दो, एक्वस KOH लगा देते हैं, ठीक है, तो Br की जगह पर OH चिपका देगा, ठीक है। चलो दोस्तों, तो ये कुछ कन्वर्जन्स हैं, ये कन्वर्जन्स आप कर लेना तो काफी अच्छा काम आपका हो जाएगा, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।